सरकार ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन शासन के दावे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। सीएचसी पीएचसी की बात छोड़िए, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में ही दवाओं की भारी कमी है। मरीज चाहे सामान्य ओपीडी के हों या फिर इमरजेंसी के, सबको दवा की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए नया तरीका अपनाया गया। मेडिकल कॉलेज के कैंपस में भ्रष्टाचार से संबंधित कई डॉक्टर के नाम पोस्टर चस्पा किए गए। पोस्टर चस्पा होने के बाद से ही कई डॉक्टर और कर्मचारियों की नींद उड़ गई है। वहीं सीएमएस डॉक्टर श्याम गुप्ता मोहन ने बताया कि पोस्टर चस्पा होने के बाद संज्ञान में आई है और मैंने भी उसको देखा है। जल्द ही टीम गठित कर कार्रवाई करेंगे। पर्चा चस्पा किया गया इसके द्वारा, जिसमें तमाम बातें कही गई हैं, व्यवस्थाओं की बात की गई है, नर्सों के उत्पीड़न की बात की गई है। यहाँ तक उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो एचओडी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन जी गुप्ता हैं और भी जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपने निजी क्लिनिक को समय देते हैं, मेडिकल कॉलेज में समय नहीं देते। जैसा कि पर्चा जो लगे हैं उनको हमने भी देखा है, उसके बाद हम जो एक इंक्वायरी बिठाएंगे, इसमें एक समिति बनाएंगे, वो इंक्वायरी करके देंगे कि क्या मैटर है इसमें, क्या इसमें सत्यता है। इसके बाद फिर हम जो है उस अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अच्छा, पहले भी ये चीज़ें सामने आई थी। दरअसल फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शासन के दावे और जमीनी हकीकत एक दूसरे के विपरीत नजर आ रहे हैं। शासन के दावों के बावजूद राजकीय मेडिकल कॉलेज में दवाओं की भारी किल्लत है। इमरजेंसी में प्रयोग किए जाने वाली कई महत्वपूर्ण दवाएं या तो एकदम खत्म हैं या फिर ना के बराबर हैं। इमरजेंसी सेवा में दवाओं की उपलब्धता न होने से मरीजों को जरूरी दवाओं के लिए बाहर भटकना पड़ता है और महंगे दामों पर दवाओं को खरीदना पड़ता है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा निशा। अच्छा, ये बाहर का पर्चा है आपके हाथ में, दवा आपको अंदर नहीं मिल रही? बाहर तो कोई वैसी दवा नहीं दी थी, यहाँ पे दवा दी थी। अच्छा, तो ये बाहर के लिए दिखा, मैं बाहर के लिए दवा लेने के लिए जा रही हूँ। क्या लगता है सरकार कहती है कि अंदर से बाहर की दवा मिली है आपको? हाँ, ये सब आई है, ये सब दवाई आई है अभी। कल क्या ले जाएंगे आप बाहर से? कल इंजेक्शन लेने के लिए गई थी, इंजेक्शन मिले ही नहीं। रामदास मेरा नाम है। क्यों आए थे? मैं अल्ट्रासाउंड कराने आया था। मैं क्या हुआ, उन्होंने कह दी थी 24 तारीख दे, 24 तारीख वो 28/5 28/6। हाँ, तारीख क्यों दे दी? अब दे दी उन्होंने तारीख, कहता तारीख पे आना, उससे पहले नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड, हो नहीं रहा, नहीं हो रहा। मैंने कर दी, तारीख दे दी उन्होंने, पर्चे मेरे पास। हाँ, काम है ना, मेरा मरा पिछला पर्चा अल्ट्रासाउंड का है, तारीख दे दी उन्होंने, 13 तारीख। क्या नाम है आपका? शब्बू। कहाँ जा रही हैं आप? मेडिकल कॉलेज में दवा नहीं मिली आपको? नहीं, उन्होंने वो निटिल वगैरह और नाक की नलकी की वो लिखी है कि ले आओ, तो ये तो सब अंदर से मिलता रहे। वहाँ नहीं, उन्होंने लिख के दिया है, बाहर से ले लो, बाहर से ले लो। दरअसल फिरोजाबाद जिले में डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। फिलहाल इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब केसी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अर्शद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।